कंपनी का एक लेटर दे के, ये नोटिस दे के मैं इसका बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा। तो ये आज मेरा हम लोग का जो मैटर है, कल ने अचानक में जो किपी डीसी कैपिटल डीसी नोटिस दिया है इमरजेंसी, और आपका पैरामिलिट्री 1166 कैपिटल एसपी को रिक्वेजिशन माना है, तो ये 11th to 14th तक एविक्शन के लिए आपका ये राइट ऑफ वे जो नेशनल हाईवे के लिए, तो वो चीज़ जो है हम लोग को भी पजल है। आपका जो एविक्शन करने जा रहा है पैरामिलिट्री, जो आपको जो प्रभावित करो बोल के जो वो कर रहा है, जो कैपिटल डीसी को जो मांग रहा है, तो हम लोग तो पूरा रेडी है। और इसमें भी एक पाजल है कि आपका आधा भाग लोग जो है आपका कंपनसेशन ले चुका है और आधा भाग नहीं लिया है। और कंपनसेशन का मित्र में भी ऐसे है, कंपनसेशन भी ऐसे एक दो है, ये आपका कैप्टन मित्र से बर्न, इसमें एक तो कंपनसेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका आरओ का अंदर में हम लोग का स्टेट का एक ये रिलीफ से डिमोलाइज का, तो हम लोग का जो वो बोलने का मतलब ऐसे है, इसमें हम लोग का पाजिल है। तो कोई कोई नोटिस दिया है, दो तीन बार हो गया नोटिस दिया है, कोई कोई लोग हियरिंग किया होगा। नहीं किया हमको नहीं पता, तो लेकिन आज का कल का जो नोटिस जो है आदमी का दिमाग में पूरा वो है, इसको देख के पूरा टेंशन है, क्योंकि हम लोग ने कमिटी लोग ने बोला वो लोग को कोऑपरेट करना है और कैपिटल कंप्लेक्स को जैसे हम लोग डेवलपमेंट के लिए, हम लोग हाईवे के लिए हम लोग कोऑपरेट करना है, अपना सेल्फ डिमोलाइज करेगा बोल के हम लोग पूरा रेडी है। हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग सेल्फ डिमोलाइज नहीं करेगा और ये डेवलपमेंट को करने नहीं देगा बोल के हम लोग ऐसे बात नहीं है। तो इसलिए मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि कैपिटल डीसी को और स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ को पैरामिलिट्री फोर्स को हम लोग गलती नहीं मानता है इसको, क्योंकि एविएशन में तो ये जरूरी होता है, फिर भी हम लोग का पैरामिलिट्री इसको छोड़ के भी हम लोग अपना से सेल्फ डिमोलाइज होने से आपका एक काम को हम लोग खुद अपना खुद कर लेगा, ताकि हम लोग पहले से कोऑपरेट है। ईटानगर को भी हम लोग ऐसे कोऑपरेट करके आया है और मैंने पहले भी बता भी दिया डीसी कैपिटल को और स्टेट गवर्नमेंट को भी, मैं पहले से मैं प्राउड किया है ये स्टेट गवर्नमेंट का साथ है, हम लोग फ्रेंडली ये हम लोग जो काम को एक साथ ये हो करके मिल के ईटानगर को फर्स्ट पेज को हम लोग ये विदाउट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में काम को सक्सेस करके आया, और इस बार भी वही हम लोग रेडी है, कोई भी इसमें कंट्रोवर्सी नहीं करना है। कमर्शियल बिल्डिंग ओनर्स को हम लोग जो है लैंड मालिकों को हम लोग बहुत निगोशिएट करके रखे हैं कि हम लोग कोऑपरेट करना है, लेकिन अपना जो प्रॉपर्टी जो डैमेज हो रहा है इसका कंपनसेशन जो क्लियर होना है, और एक दो रुपया होने से भी स्टेट गवर्नमेंट कैसे करके किस सिस्टम में बनाया है, और वही सिस्टम में हम लोग को अच्छा से शो करके हम लोग एक दो रुपया को भी एक चेक लेने से भी हम लोग लेगा। और आज का वेद में हम देखा है तो ये सिस्टम ने आप चेक देते जा रहा है और सिस्टम को नहीं पता है एक्चुअली कैसे आपका स्कोर मीटर इतना स्कोर मीटर और आपका हर सीसी तोड़ रहा है इतना में, आपका ड्रिंक इतना में तोड़ रहा है, क्योंकि ड्रिंक का अंदर में अंडरग्राउंड से आता है और इसका भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो नहीं जानने वाला लोग नोटिस देने वाला को डर के कोई कोई अपना सेल्फ डिमोलाइज कर लिया, पैसा के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है डर से, और जिसको जो नियम को जो जानता है आरओ का जो रूल नॉर्म्स को जानता है, पीडब्ल्यूडी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो नॉर्म्स स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन को जो जानता है, वो लोग अभी रुक रहा है, इंतजार कर रहा है कि हम लोग मेमोरेंडम कमिटी लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है स्टेट गवर्नमेंट को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, तो वो ऐसे सबमिट किया और इसको भी इसको रुकने के लिए जो रुकने के लिए आदमी लोग जो है सेल्फ डिमोलाइज नहीं कर रहे हैं, जो किया है इसको अंडरटेकिंग किया है आप लोग जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन अब इसको ये एविएशन करना है, हम लोग जो है इसको ये जो है नहीं करना है, जब तक आप जो है हम लोग का ये जो कंपनसेशन को क्लियर नहीं करेगा सेल्फ डिमोलाइज कंप्लेंट मैंने क्लियर नहीं करेगा हम लोग अभी अपना सेल्फ डिमोलाइज नहीं करेगा। हम लोग का मकसद जो है हम लोग
बी फॉर डिमोलाइज में हम लोग कंपनसेशन को सेटिस्फाई, पब्लिक को सेटिस्फाई होने दो, तब वो लोग अपना लेबर लगा के सेल्फ डिमोलाइज करेगा। वो है ये डीसी को मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है और स्टेट गवर्नमेंट को, आप जो है इलेक्ट्री डिपार्टमेंट को, बीएचई डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, टेलीफोन जो है ये बीएसएनएल और जो है हॉर्टिकल्चर, तो इसको इतना पूरा करोड़ 200 करोड़ एबव आप ऑलरेडी दे चुका है, अगर इसको आप एवेसी ने नहीं किया है तो हम लोग जो नहीं किया अभी हम लोग ये आपका वो अभी कंपनसेशन नहीं लिया है, हम लोग को तोड़ने के लिए इतना विद इन शॉर्ट पीरियड में ये अब लोग तोड़ने का जो ऑर्डर दिया है, तो इसलिए हम बिल्कुल हम नहीं मांगता है, हम लोग आपका प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कीजिए, आपका काम को आगे फिनिशिंग कीजिए, जैसे गाइडलाइन है जो नॉर्म फीजर का नॉर्म्स है तो आप कंपनसेशन को क्लियर कीजिए, तब हम लोग रेडी हैं। और ईटानगर जैसे आया 12x12 जहाँ में 12x जैसे करके आया, यहाँ में भी ऐसे चलेगा, किपीतल एक सेम वो है, सेम एरिया है या दूसरा दूसरा स्टेट नहीं है, ईटानगर किपीतल एक ही है।